सो गाइस, आज का जो एडिटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, वो वीडियो कलर ग्रेडिंग पर होने वाला है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने काइनमास्टर को यूज़ करके वीडियो की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो एक बार गाइस, आप स्क्रीन पर वीडियो का सैंपल देख सकते हो कि हमने जो कलर ग्रेडिंग की है काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से, वो कैसे की है। देन बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट आपके सामने है। अगर गाइस आपको जो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रहा है, अगर आप भी कुछ इस तरीके की ही कलर ग्रेडिंग अपने वीडियोस के अंदर करना चाहते हो, तो गाइस वीडियो आपको पूरा यहाँ पे वॉच करना है और सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो काइनमास्टर एप्लीकेशन गाइस एक तो बेसिक एप्लीकेशन है। सब जो भी मैक्सिमम यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है या कोई भी अपनी वीडियोस एडिट करता है, सभी लोग बाग मैक्सिमम काइनमास्टर को यूज़ करते हैं, क्योंकि गाइस वो थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है एडिटिंग सीखने में देन एडिटिंग करने के अंदर। तो इसलिए मैं आपके लिए काइनमास्टर के लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँ, ताकि आप भी अपनी वीडियो की अगर कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो आप इजीली कर सको, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना पड़े। तो गाइज इसके लिए वीडियो आपको पूरा यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा और सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में सीखना पड़ेगा, तभी आप इजीली अपने वीडियो की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। अगर गाइज आपको ये पूरी कलर ग्रेडिंग यहाँ पे समझ में आ जाती है, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हो अभी तक तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको ऐसी वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइज चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, ताकि आप सारा प्रोसेस सीख सको कलर ग्रेडिंग का। सो गाइज आपको यहाँ पर कुछ ही नहीं करना, आपको अपने अगर वीडियो की कलर ग्रेडिंग करनी है, तो गाइज आप आसानी से अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से भी काफ़ी बेटर वीडियो की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइज ये वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल बेकार सा वीडियो आपको ये नज़र आ रहा है। यानी इसमें आपको कलर्स यहाँ पे बिल्कुल धुंधले से एक नज़र आ रही है, जो आप नॉर्मल अपने वीडियो सेट शूट करते हो, चाहे वो कैमरे से हो या वो आपके मोबाइल कैमरे से हो। कोई से भी आप अगर वीडियो शूट करो, तो गाइज आपको कुछ ऐसा धुंधला सा ही नज़र आएगा, जिसमें कोई लाइटिंग आपको नज़र नहीं आएगी और काफ़ी जो आपके कलर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिसेचुरेट होंगे। तो अगर आपके भी कुछ इस तरीके के धुंधलेपन वीडियोज़ हैं, अगर उनमें आप अच्छी खासी कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो और उसमें आप अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो, सो गाइस आपके लिए यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और परफेक्ट होने वाला है, अगर आप कलर ग्रेडिंग यहाँ पे अपने वीडियो की करना चाहते हो। तो कैसे आप कर पाओगे वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो को आपने स्टार्ट में भी देख लिया होगा कि बिफोर एंड आफ्टर आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो अभी देख सकते हो गाइस आपका बिल्कुल धुंधलापन ये वीडियो आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल धुंधला सा, इसमें कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब आपकी बिल्कुल इसकी कमाल की वीडियो होने वाली है। देन स्क्रीन पर आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आपको कितना कमाल का ये नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे एडिट करेंगे अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से। तो काइनमास्टर के बारे में बता दूँ गाइस, आप इस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। तो वहाँ से अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आप गूगल पे जाके भी आप सर्च करके वहाँ से काइनमास्टर डाउनलोड कर सकते हो। मैक्सिमम काइनमास्टर गूगल से डाउनलोड करके वहाँ से आप करते होंगे, क्योंकि आपको वाटरमार्क की यहाँ पे प्रॉब्लम आती होगी, तो आपको गूगल से जाके उसको सर्च कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, देन आपको गाइज एक कोई सा भी फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपको अपनी कलर ग्रेडिंग करनी है। तो गाइज मैं स्टार्ट में जो फ्रेम है मैं यहीं पर इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको यहीं से क्या करना होगा, आपको आ जाना है यहाँ पर, लेयर पर क्लिक कर देना है सबसे पहले, और लेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है गाइज, ये आपका काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर नोटिस करनी होगी, जो आप काइनमास्टर डाउनलोड करो वो लेटेस्ट वर्जन में आपको करना है, ताकि आपको जितने भी ये फीचर्स है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। तो आपको इन चीज़ों का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब आपको गाइज यहीं से आपको सारी लाइटिंग एडजस्ट करनी है, ताकि आपकी कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। जो अभी धुंधलापन आ रहा है आपके वीडियो में, देन बिल्कुल डिसेचुरेट हो रखे हैं, वो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा इस गाइज, आपको सबसे पहले तो अगर आपके ब्राइटनेस ज़्यादा है वीडियो के अंदर, तो आपको क्या करना है, ब्राइटनेस को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो कम आप कितना कर सकते हो, एक पे भी कर सकते हो, दो पे भी कर सकते हो, तीन पे भी कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना आप यहाँ पे कम कर सकते हो। तो गाइज मैं इसको ज़्यादा तो करूँगा नहीं, ऑलमोस्ट इसको मैं 5 पे कम करके देखता हूँ एक बार, फिर आगे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आता है हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वाला पार्ट, तो गाइज कॉन्ट्रास्ट ही आपके जो वीडियोस के अंदर या फोटोज़ के अंदर किसी को भी ले सकते हो आप, उसमें आप कॉन्ट्रास्ट अगर आपका डिक्रीज रहेगा तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका फोटो या वीडियो आपका ज़्यादा यहाँ पे धुंधलापन आ जाए। देखो तो इसको अगर और धुंधलापन करोगे तो आप ये बिल्कुल देख सकते हो, माइनस में कर दिया 100। लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, यहीं से हम इसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। देखो इंक्रीज करने के बाद में आपको ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो अब इसको ऑलमोस्ट हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम यहाँ पे। देन जो सेचुरेशन वाला पार्ट है, तो सेचुरेशन भी हमें यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी।
ताकि थोड़ा सा हमें कलर अच्छे सेचुरेट हो जाए। तो सेचुरेशन को अभी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 पे सेट कर देना है। जो पार्ट आता है आपका वाइब्रेंस, वाइब्रेंस भी गाइस इस तरीके का आपका सेचुरेशन वाला पार्ट है, यानी आपके इसमें ज़्यादा जो कलर है वो आपके ज़्यादा वाइब्रेट होने लग जाएंगे, यानी ज़्यादा आपके दिखने लग जाएंगे कलर। तो इस वाले पार्ट को भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बस आपको क्या करोगा, जो वाइब्रेंस वाला पार्ट है आपका यहाँ पे, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है। वाइब्रेंस हम थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ येलोपन ज़्यादा आ रहा है, तो वाइब्रेंस हम यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं 35 के आसपास यहाँ पे इसको रख देते हैं वाइब्रेंस को। इसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी कर लेंगे। टेम्परेचर है, टेम्परेचर वाला पार्ट हमारा यहाँ पे वो आएगा यहाँ पे हमें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ हमें ले जाना है, क्योंकि हमें माइनस में टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो माइनस हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसके बाद में वाइब्रेंस को हमें गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 28 के आसपास यहाँ पे कर देते हैं। देन टेम्परेचर को हमें कम करना है, तो टेम्परेचर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब देख सकते हो आपके थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेट हो चुका है। तो वाइब्रेंस हम यहाँ पे 15 या 14 रखेंगे। हाईलाइट्स है गाइज, जो हाईलाइट्स वाला पार्ट है उसको हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है, ताकि थोड़ी सी ब्राइटनेस पिक की हमारी यहाँ पे इंक्रीज रहे, आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना। तो ऑलमोस्ट हम इसे यहाँ पे 24 कर देते हैं। इसके बाद में शेडो, थोड़ी सी पिक की शेडो कम करेंगे। तो देखो शेडो कम करते हैं, आप देख सकते हो कितना आपका बिल्कुल धुंधापन ही कम हो चुका है। तो शेडो हम ज़्यादा नहीं यहाँ पे 18 के आसपास करेंगे। देन यही सब थोड़ी सी हाईलाइट्स भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, ये करेंगे। इसके बाद में जो गेन वाला पार्ट है आपका, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि आपके लाइटिंग वगैरह को आपको देखो कुछ इतना ज़्यादा लाइट कर देगा, तो आपको लाइटिंग थोड़ी सी कम रखनी है। तो हम इसको -5 या 6 रखेंगे। गामा वाला ऑप्शन है, तो इसको आपको हल्का सा यहाँ पे चेंज कर देना है, 2 या 3 के आसपास रख देना। जो आपके लिफ्ट वाला ऑप्शन, तो क्या ये भी आपका कमाल का ऑप्शन है, देख सकते हो बिल्कुल आपका चेंज कर देगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला पार्ट हम यहाँ पे रख देते हैं। तो गाइज अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे पिक के अंदर, यानी वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा येलोपन नज़र आ रहा होगा। अब येलोपन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये वाइब टेम्परेचर वाला पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। तो ये येलोपन हमारे यही करता है, तो ये पहले इतना था, तो इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, तो येलोपन और हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। वाइब्रेंस वाला पार्ट है, वाइब्रेंस भी हल्का सा कम करेंगे, तो यहाँ पे भी येलोपन कम हो जाएगा। देन थोड़ा सा सेचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। ये गाइज ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इन चीज़ों को यहाँ पे एडजस्ट करना अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे थोड़ा सा बैक आते हैं, बैक चले आते हैं एक बार, और एक बार मैं वीडियो आपको प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइज वीडियो प्ले करने के बाद में आपके कलर देखो बिल्कुल ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर आप नीचे रो में देख सकते हो बिल्कुल इसमें इसमें कितना डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ अगर आपको वापस अगेन करनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है पूरा, आपको अगेन इसको यहाँ जाके आपको लेयर में से आपको इसको यहाँ पे कर लेना है, सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद में आप क्या करते हैं, इस वीडियो को हम चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, इसको शेयर कर देते हैं, क्योंकि लाइटरूम में भी आजकल आप यहाँ पे इजीली अपने वीडियो की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन गाइस आपको जो इजीली समझ में आ रहा है वो आपको यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन में आ जाएगा आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपको जाना है अपने काइनमास्टर, सॉरी आपको जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया है काइनमास्टर से, उसको आपको शेयर कर देना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस और मिल जाएंगे, यानी आप कोई से भी कलर वाला पार्ट को आप सेलेक्ट करके वहाँ पे उसकी सेचुरेशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। अगर आपको यहीं तक ही चाहिए, तो आप इसको आगे वाले पार्ट को कोई जरूरत नहीं आपको देखने की, अगर आप आगे वाला पार्ट भी देखना चाहते हो तो बस आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। तो हम वीडियो को शेयर कर देते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस जो वीडियो था हमने यहाँ पे शेयर कर दिया अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का हमारा जो हमने काइनमास्टर में एडिट किया था, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे वीडियोस ठीक ठाक एडिट हो चुका था, और काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका था गाइस। ये भी काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग है। देन अब थोड़ा सा हम इसमें और इसको थोड़ा प्रो यानी अलग लेवल पर लेके जाएंगे, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन। तो बस इसमें अभी आपको क्या करना है, एक फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने एक फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहीं से हम सारी लाइटिंग की एडजस्टमेंट और कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये लाइट वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहाँ पे देख लेना है कि अपनी वीडियोस में जो आपकी वीडियोज आपने जो भी शूट करी है, मेरे सामने तो क्या ये है एक एग्जांपल के लिए, तो इसमें मुझे क्या है थोड़ा सा एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो एक्सपोजर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा। अगर थोड़ा सा हमारा एक्सपोजर कम रहेगा, तो जो हमारे कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेचुरेट यानी ज़्यादा नज़र आएंगे। पिक में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डालना है, तो इसको हल्का सा इंक्रीज करूँगा, ज़्यादा भी नहीं, इसको
+2 या +6 में इंक्रीज करूँगा। पिक में हाइलाइट्स डालनी है थोड़ी सी हमें यहाँ पे, तो इसको भी मैं थोड़ा सा 4 पे डाल लेता हूँ। शेडोज़ वाला पार्ट गाइज आपके काफ़ी कमाल यहाँ पे आने वाला है, तो शेडोज़ में पिक की थोड़ी सी बढ़ा के रखूँगा ऑलमोस्ट 48। वाइट पिक में वाइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो वाइटनेस में थोड़ी सी माइनस में रखूँगा। ब्लैक्स वाला पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे कम रख लेता हूँ। इतना करेंगे, इसके बाद में टेम्परेचर वाला ऑप्शन पे आपको आ जाना है। ये वाला ऑप्शन भी गाइज आपके अलग अलग कलर को यहाँ पे चेंज करने वाला है, तो मिक्स कलर पे जाएंगे हम कोने पे यहाँ पे। देन यहाँ से सबसे पहले हमें जो सर्च करना है वो येलो कलर है, तो येलो कलर पे हमें आएंगे। तो येलो कलर को गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल अगर कम करोगे तो बिल्कुल यहाँ चेंज हो जाएगा। तो इसको हम यहीं रखेंगे, देन इसको थोड़ा सा सेचूरेट कर देते हैं और थोड़ी सी ल्यूमिनस इसकी बढ़ा देते हैं। इसके बाद में ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर भी हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो ग्रीन कलर की बढ़ाएंगे सेचुरेशन, देन इसको भी यहाँ पे बढ़ा के रख देंगे। इसके बाद में ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर हमारे है नहीं, तो इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाएंगे, उनको भी माइनस ले जाएंगे, क्योंकि सारे कलर जो हमारे नज़र आ रहे हैं उनको हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। रेड कलर है, रेड कलर की थोड़ी सी ल्यूमिनस बढ़ाएंगे और साथ के साथ सेचुरेशन भी बढ़ा देंगे, तो रेड कलर आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑरेंज कलर आएंगे, ऑरेंज कलर की ल्यूमिनस बढ़ा देंगे ताकि फेस हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से ब्राइट हो जाए, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे कर लेनी है। ब्लू कलर आएगा, तो ब्लू कलर को थोड़ा सा ल्यूमिनस, पर्पल कलर की ल्यूमिनस, थोड़ा सा डिसैचुरेट, देन पिंक कलर की ल्यूमिनस, देन यहाँ पे डन कर देंगे एक बार। और एक बार मैं आपको वीडियो पे लेकर के यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कितने कमाल का हमारे यहाँ पे बिल्कुल कलर ग्रेड हो चुका है वीडियो, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। बस आपको 2 AP आपने UP यूज़ किए और काफ़ी शानदार तरीके से आपका यहाँ पे वीडियो देखो कितना काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से कलर ग्रेड हो चुका है। तो गाइज अगर आपको ये कलर ग्रेडिंग यहाँ पे अच्छी लगी, अगर आप भी कुछ इस तरीके की अपनी वीडियो कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो काफ़ी आसानी से कर पाओगे, और तो वीडियो में आपको नजर आएगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो एडिटिंग के वाला आपको तो लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है।